नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की राशियां हम आपके लिए लाते हैं, राशिफल आपको देते हैं, हर महीने की भी देते हैं। अब हम आपको अगस्त के महीने की कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है, क्या क्या इसमें परिणाम होंगे, कौन कौन सी तारीखें शुभ हैं, कौन कौन सी तारीखें अशुभ हैं, वो सारी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं शनि की तरफ। शनि आपके अष्टम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं और वैसे कर्क राशि को ढैया जो है ये जनवरी से प्रारंभ है, तो ढैया के कारण जो रुकावटें होंगी वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन शनि यहाँ पर बैठ करके आयु वृद्धि करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने में शारीरिक या जीवन से संबंधित कोई अशुभ समाचार आपको नहीं प्राप्त होंगे। बाकी यहाँ से बैठा हुआ शनि उसके तृतीय दृष्टि दशम स्थान के ऊपर जाती है, तो राजकाज के अंदर कहीं ना कहीं, नौकरी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट जो है ये दे सकता है। बाकी कुल के अंदर, कुटुंब के अंदर भी किसी न किसी प्रकार का विग्रह जो है आपको प्राप्त हो सकता है। पढ़ाई वालों के लिए पढ़ाई के ऊपर से जो है मन थोड़ा सा हटेगा, आलस्य के अंदर और प्रमाद के अंदर आएंगे, तो उसका ध्यान रहे। शनि के लिए हनुमान चालीसा के पाठ और शनि का दान जो है करते रहना चाहिए। दशम स्थान में गुरु और राहु का मिलकर के चांडाल योग बन रहा है, तो ये गुरु चांडाल योग राजकीय कामों के अंदर अच्छे नहीं रहते, पिता के स्वास्थ्य को जो है विकृत कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी बनने वाले काम हैं उनके अंदर अड़चन ये यहाँ पर अवश्य देते हैं। और कई दफ़ा कमेंट के अंदर आप लोग ये लिख देते हैं कि डराते हैं, डराते नहीं हैं हम, बल्कि आपको जो है सचेत करते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके प्रति सावधान रहना आपका कर्तव्य है। काम अच्छे हों, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जितने भी जो काम हैं वो आपके सुंदर, सुखद और वृद्धिकारक हों, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी अड़चने आपको ना आए। तो जो पहली तारीख है, दूसरी तारीख है, ये आपके लिए, पार्टनर के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत सुंदर और अच्छा परिणाम देने वाले हैं। कोई अच्छी डील कर सकते हैं, कोई अच्छा नया जो है कारोबार आप डाल सकते हैं। 3 और 4 तारीख आपके लिए ठीक परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद हैं, वृद्धिकारक हैं, चाहे वो यात्राओं से लाभ है, चाहे वो सरकारी लाभ है, चाहे वो राजनेताओं से लाभ है, आमद के स्रोत हैं वो आपके बरकरार और जारी रहेंगे, उसके अंदर आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। 12-13 तारीख ये सचेत रहने की है। 12-13 तारीख में एक तो खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, और कहीं पर देन लेन करना हो तो बिल्कुल ना करें, पैसा डूब सकता है, अटक सकता है, कोई धोखा हो सकता है। और बाकी फिर इसके आगे अगर चले तो 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 8 दिन है, ये 8 दिन आपके इस महीने के सबसे सुंदर और सुखद होंगे। मन के अंदर उल्लास होगा, उत्साह होगा, खुशियां होंगी, कोई नव आगंतुक आपके परिवार में आ सकता है, जिसके कारण से खुशियों की लहर आपके परिवार में दूर पड़ेगी और उत्सव जैसा माहौल आपके बीच में रहेगा। धन के आगमन के स्रोत जो हैं आपके जारी रहेंगे, बढ़ेंगे, और मित्रों से और भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। 22-23 तारीख ये थोड़ी सी जो है चिंता दे सकती है, अकारण चिंता इसके अंदर होंगी तो इसके अंदर यात्रा भी ना करें, और कोई कार्य प्रारंभ करना है, स्टार्टिंग करनी है, श्री गणेश करना है तो वो ना करें। बाकी फिर आगे 24-25 तारीख विद्यार्थियों के लिए ठीक है, इंटरव्यू देने वालों के लिए ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई परीक्षा दी गई या कोई इंटरव्यू दिया गया तो उसके परिणाम आपको अच्छे निकलेंगे, विशेष करके कर्क राशि वालों के लिए है। 26-27 तारीख सावधानी की है, क्योंकि इसमें किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। बाकी 27 के बाद 28-29 तारीख ये आपके लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, व्यापार के लिए अच्छी रहेंगी। इसमें कोई नया सौदा हो सकता है, नई डील हो सकती है, नया कोई पार्टनर मिल सकता है, और
आपका ये आगम मतलब धनागम के रास्ते जो हैं आपके खुले रहेंगे और अच्छा परिणाम ये यहाँ पर मिलेगा। 30-31 तारीख में आपको सावधान रहना होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप जो है संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और फिर आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।